महापौर उमेश चंद्र गणेश केसरवानी ने प्रभारी जिलाधिकारी मुख्य विकास अधिकारी गौरव कुमार की उपस्थिति में बुधवार को विकास भवन से फीता काटकर पोषण रैली को रवाना करते हुए छठा राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया। छठा राष्ट्रीय पोषण माह सितंबर 2023 के आयोजन की मुख्य थीम सुपोषित भारत साक्षर भारत सशक्त भारत के अंतर्गत जनपद में मुख्य सेविकाओं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के द्वारा बड़ी संख्या में बाइक रैली एवं कतारबद्ध मानव श्रृंखला में पोषण रैली निकाला गया, जो जिला पंचायत सभागार प्रयागराज पर समाप्त हुई। पोषण रैली के माध्यम से पोषण माह में आयोजित किए जाने वाले थीम आधारित प्रभावी गतिविधियों स्तनपान व संपूरक आहार स्वस्थ बालक स्पर्धा पोषण भी पढ़ाई भी मिशन लाइफ के माध्यम से पोषण में सुधार मेरी माटी मेरा देश एवं अनीमिया स्तर में सुधार हेतु परीक्षण उपचार व संवाद का प्रचार प्रसार एवं समुदाय की भागीदारी को जोड़ते हुए सुपोषण भारत कुपोषण मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना है। पोषण भी पढ़ाई भी इस अभियान का शुभारंभ आज विकास भवन से अपने आने वाली पीढ़ियों को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने एक नई योजना लॉन्च की है। आज उसी की जागरूकता रैली का शुभारम्भ करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिसमें मोटा अनाज को लेकर के और पढ़ाई को लेकर के सही पोषण को लेकर के समाज को जागरूक करने के लिए हमारी आशा कार्यकर्ती बहनें और आंगनबाड़ी की बहनें बड़ी संख्या में लोगों को जागरूक करने के लिए रैली निकाल रही है। और इस रैली से निश्चित रूप से समाज जागरूक होगा, जो हमारे कमजोर वर्ग के लोग हैं, गरीब हैं, असहाय लाचार हैं, जिनके बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं, इस जागरूकता के माध्यम से उन पर रोक लगेगी और सरकार उन तक सही पोषण पहुँचा करके पढ़ाई और पोषण एक साथ देने का काम कर रही है। एक सुंदर योजना जिसका शुभारंभ पोषण माह के अंतर्गत 6 वर्ष तक के बच्चों गर्भवती व धात्री महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं के पोषण स्तर में सुधार के प्रयास किए जाते हैं, जिसमें टीकाकरण गृह भ्रमण अनौपचारिक एवं स्वास्थ्य व पोषण शिक्षा समुदाय आधारित अन्नप्राशन व गोद भराई वजन दिवस FBHSND आदि कार्यक्रमों के माध्यम से आंगनबाड़ी एवं स्वास्थ्य उप केंद्रों पर बाल विकास स्वास्थ्य विभाग पंचायत राज बेसिक शिक्षा आदि विभागों के परस्पर कन्वर्जन एवं समन्वय से प्रयास किए जाते हैं। पोषण माह के अंतर्गत उक्तानुसार माह सितंबर 2023 में ब्लॉक एवं आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यक्रम आयोजित करते हुए कुपोषित बच्चों का चिन्हीकरण एवं उनके स्वास्थ्य प्रबंधन के कार्य करते हुए उन्हें सुपोषित बनाने के प्रयास किए जाएंगे, जिसके क्रम में आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्वस्थ बालक स्पर्धा पोषाहार से निर्मित रेसिपी प्रतियोगिता आदि के भी आयोजन किए जाएंगे, जिससे समुदाय में जागरूकता लाते हुए पोषण के घटकों को रेखांकित करते हुए कुपोषण को समाप्त किया जा सके।